सो सिचुएशन ये है कि मैं आज तरबेला आया हूँ और मेरे दोस्त बहुत ज्यादा तैयार हो के आज निकले। हर चीज ना रिकॉर्ड किया कर यार, तू यार वो बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग लग रहा था यार। यार अब ओप्पो यूज करता होगा, ओप्पो के नए मोबाइल आ रहे हैं और बड़े बम आ रहे हैं। मैंने क्वालिटी नहीं है जी। तुम्हारे कौन से दोस्त हैं आजकल जो दिन से तुम मिलते हो और हमें मिलते नहीं हो, उनके लिए बारबेक्यू भी करते हो? ओ मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो फिर सब लड़के ने बनाया था जी, मैंने नहीं किया भाई जी। मैंने नए दोस्त बना लिए जी, वो अपना बारबेक्यू करता है उनके साथ। इसका तो मैंने जा रहे थे, आज तेरा कटिंग डे है यार। इतनी मैं तमाम से कोई जो है ना बार बार के पास नहीं जाता, तो तू है तमाम। नहीं है तमाम की क्या बात है यार, फिर से मैं खुद अगर वो कर सकूं तो मैं कसम से जाऊं ही ना। ऊपर लिवाइस की उसने जींस पहनी और नीचे चाइना के ₹200 वाले उसने चप्पल पहन ली, सारा वो मजा खराब कर दिया। ऊपर क्रोकोडाइल की शर्ट है, नीचे लिवाइस की जींस है और नीचे चाइना वाले चप्पल। इधर बताना इधर क्या हुआ? असल में हुआ इस तरह, सभी ने जो मतलब जब गाड़ी ली है जो उस टाइम जो डील हुई थी ना, जो उनसे बात हुई थी जितने पेमेंट की ना, तो उस टाइम ये एग्री हो गए कि यार लेट्स सपोज के यार 4 लाख, चार तो मैं ज्यादा क्या क्यों, निशान तो इतनी वैसे महंगी, ₹3.5 लाख अगर देने हैं, ₹3.5 लाख वो उसने देने हैं, तो वो उसने कहा जी मैं दूंगा सारा कुछ, कमिटमेंट जो होगी है। उसके बाद जब आया तो एक दो दिन बाद सभी साहब बोलते हैं कि यार के टायर भी खराब है, इंजन धुआं मार रहा है, इंजन धुआं मार रहा है, इतना धुआं मारती थी नहीं। और इस पे वो BBC की एक डॉक्यूमेंट्री भी ना, ग्लोबल वार्मिंग में डॉक्यूमेंट्री आई है कि यार के वो ओजोन लेयर की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, वो इधर से ही आई थी, मतलब इसी की गाड़ी जो है ना उसने ओजोन लेयर को ओजोन हिट कर ज्यादा खराब किया। कहते कि जब वो बादल आए तो फिर अमेरिका वालों ने कहा कि यार ये उस्ताद ये धुएं के बादल क्या चक्कर है, किधर से आ रही है, हमारी कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां जो मतलब इस किस्म का मटेरियल बना रही है। कहते सारे ट्रंप ने कहा कि ये सारी फैक्ट्रियों को सील करो, जापान को भी लेटर लिख दिया, चाइना को भी लिख दिया उन्होंने, पाकिस्तान के उस टाइम जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे PM जो थे नवाज शरीफ साहब थे, तो नवाज शरीफ साहब से जब कहा वो कहते हैं कि यार बात इस तरह की यार हमारी तो हालात खराब है लेकिन इतने भी नहीं है। जब बाद में चेक किया तो जी वो निशान गाड़ी थी, धुआं मार ये लें जी पीर साहब ने बूढ़ी पहन ली है। पीर साहब ने देखो शुरू भी पहन लिया है। यू गाइस रेडी? 1000 महीने जिम में देने के बाद इसने ये सीखा है। यारा इतने मैंने जबरदस्त टर्न्स करके दिखाए, पीर साहब क्या कहते? पागलपन के दौरे थे जी। मैं तू क्या कहता यार, बस डायग्नोज होने के बाद बंदा इसी तरह ही होता है। ये डायग्नोज क्या डायग्नोज, बस वो मतलब नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है। बस जो भी है पॉजिटिव डायग्नोज हो, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अच्छा क्या पहना हुआ है ऊपर? ये स्वैग है ना पीर साहब, ये गोल्ड कोटिंग हुई है यार इसकी टोपी पे। पीसी इसमें इतने अच्छे वाली क्या बात है यार। अली एक्सप्रेस से तूने कौन से जूते मंगवाए? जॉर्डन। ना क्या